घटना घटी है वो तो अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम है। हमें झिंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। और उनको लोकल जो सिया अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से ले गया पुलिस ने, ये जो जानकारी मिल रही है ये तो और ही दर्दनाक कहानी है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई करेगी। और जहां हेमंत सोरेन जी जिस क्षेत्र से विधायक आते हैं उस वक्त तो मुख्यमंत्री भी थे, रूबी पहाड़ियन का आप सब लोगों ने घटना को पहले भी सुन चुका है। झारखंड के दुमका के हंसटीहा थाना क्षेत्र में स्पेन की एक महिला से शुक्रवार 1 मार्च की देर रात गैंग रेप किया गया। इस मामले को लेकर दुमका एसपी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और मेडिकल जांच सहित मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ इंडिया टूर पर आई है। अब इसको लेकर सदन में भी जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी घटना को बताया शर्मनाक। उसको किस तरह से देखेंगे ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है, और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झिंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। घटना घटी है वो तो अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम है, बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक है। और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना हुई इस फिनिश महिला के साथ, और उनको लोकल जो सिया अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से ले गया पुलिस ने, ये जो जानकारी मिल रही है ये तो और ही दर्दनाक कहानी है। और इसलिए हमने डीजी पुलिस से बात की सवेरे और हमने उनको कहा कि भाई इस प्रकार की पुलिस अफसरों के ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए बिना विलंब किए। और उन्होंने बताया 3+1 शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी, हम बोले उन लोगों को ऐसी सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार के दुस्साहस नहीं कर सके। ये कहने को तो मैंने कह दिया लेकिन मैं जितना झारखंड को जान रहा हूँ, खास करके जब से ये इंडी अलायंस गठबंधन की सरकार बनी है कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी है। संथाल परगना की धरती में कई एक ऐसी घटनाएं घटी और जहाँ हेमंत सोरेन जी जिस क्षेत्र से विधायक आते हैं उस वक्त तो मुख्यमंत्री भी थे, रूबी पहाड़ियन का आप सब लोगों ने घटना को पहले भी सुन चुका है किस प्रकार से उसके साथ दरिंदगी हुई और उनको मारा गया और कितना 50 या 56 टुकड़ों में काट काट करके उसको फेंक दिया गया। उस परिवार तक हेमंत सोरेन कभी जा करके भी नहीं मिले। और मैं तो यहाँ बार बार कहता हूँ कि झारखंड में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई, इसका मुख्य कारण है जब पुलिस पदाधिकारियों से सत्ता में बैठे हुए लोग पैसा वसूली करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा वसूली करते हैं। हमारे पास तो यहाँ तक जानकारी है एक एक पुलिस अधिकारियों से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया की मांग की जाती है, फिर क्राइम कैसे रुकेगा? तो अपराधी तो बेलगाम होकर के अपराध करते हैं क्योंकि उनको पता है पुलिस को हम कुछ पैसे दे देंगे तो हम बच निकल जाएंगे। और इस कारण से इस झारखंड में ये कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ये बड़ा दुखद घटना है और इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई वहां जितने भी पुलिस अफसर हैं एसपी से लेकर के थानेदार तक सबको सस्पेंड कर देने चाहिए।
जब तक उनके ऊपर आप जवाबदेही नहीं फिक्स करेंगे तब तक ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है और अपराधियों में भय भी नहीं हो सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।